सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, पूरे भारत में माता दुर्गा रानी की पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से लोग पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं। आइए आपको हम विस्तार से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर पंडित ज्योति गांव, यहां बड़की माता मंदिर। इस मंदिर के पुजारी 10 साल पूर्व से पूजा करते आ रहे हैं और लोगों में आस्था का विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। इससे माता के दरबार में नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि जो दुख दर्द हमें डॉक्टर के इलाज से नहीं ठीक होता, वह दुख दर्द माता के दरबार में आने से ठीक हो जाता है, माता रानी की कृपा से ठीक हो जाता है। माता रानी की दरबार लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। जो भी भक्त आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था माता रानी के दरबार में हो जाता है। सोमवार और शुक्रवार को 10,000 से 15,000 की भीड़ लगती है और यहाँ कुछ प्रशासन भी मदद कर देता है। अभी तक लाखों लोग इस दिव्य शक्ति से ठीक होकर अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापक भी हैं और छोटे मोटे इलाज के लिए डॉक्टर भी हैं। यहाँ पुजारी की एक असियाना है। असियाना में इनका पूरा परिवार गुजर बसर करता है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। यह बाबा 6 महीने तक मौन रहे, उसके बाद यहाँ से सद्र से माता रानी का पूजा अर्चना शुरू कर दिया और लोग भी माता रानी के दरबार में आकर मन्नत मांगना शुरू कर दिए। मन्नत पूरी होने के बाद आज यहाँ पूरी तरह से आस्था का विख्यात है। यहाँ के मंजर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ही स्थान से सैकड़ों पीड़ित झूम रहे हैं और इसे मंजर को देखकर इस तंत्र शक्ति कहे या आस्था का प्रभाव। इस बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम समर्पित कर दिया है। मंदिर के देख रेख करने वाले आसपास के लोग हैं, इनका कहना है कि भूत प्रेत का आप पर साया हो, यहाँ आने से सब चीज ठीक हो जाता है। पर यहाँ झूमती लोगों को देखकर आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या है। आइए मैं सुनाता हूँ कुछ पंडित जी के जुबान जो इनकी बात जो सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। से संस्था चल रही है और कैसे कैसे रोगों का निवारण होता है? करीबन करीबन 10 वर्ष चालू हो गया है। माता जी अपनी सीता आई है भक्तों के कल्याण के लिए। माता खुद आई है और भक्तों का रक्षा कर रही है। यहाँ कितने दूर से और कितने लोग आते हैं भक्त? यहाँ करीबन करीबन काफी दूर से आते हैं। नेपाल से भी लोग आते हैं और बिहार से भी लोग आते हैं और अपना दिल्ली से, लखनऊ से, प्रदौरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ से दूर दूर से लोग आते हैं। कैसे कैसे रोग यहाँ निवारण हो जाते हैं माता के दरबार में? अभी मान कर चले कि रोग जो ऐसे डॉक्टर रोग को नहीं पकड़ पाया तो उस रोग को माता ही ठीक कर देती है। कैसे जैसे सुनने में आता है भक्तों से और देखने में भी आता है कि लोग बताते हैं हम ठीक हो गए। हमारे वहाँ एक हवन होती है 9 कन्या धारा जो छोटी छोटी 9 वर्ष की 11 वर्ष के लगभग होती है, तो यह कन्या हवन करती है। करीबन 1 क्विंटल 6 क्विंटल की हवन होती है जो देवताओं की हवन किया जाता है। उसी हवन में उनकी जो रोग जो होते हैं संवादों से भरा करती है, उसी आग में प्रवेश करवाती है और इनके रोग जो सबको हर लेती है। तो यहाँ पे लमसम अभी तक कितने रोगी ठीक हो गए होंगे? इसका कोई करना है। अनंत संस्था कितने सालों से चल रही है और व्यवस्था? यह करीबन करीबन 10वां वर्ष चालू हो गया है। क्या नाम है आपका? 24 मार्च 2010 से लगभग चालू है। कैसे आपके मन में आई कि यहाँ का संस्था हम चलाएं? और नहीं, संस्था मैंने नहीं चलाया, माता खुश होता, मैं भक्ति कर रहा था। भक्ति के दौरान माता खुश हुई। करीबन करीबन हमारे 11 वर्ष चल रहा है ग्राम व्रत। मैं प्रहारी भी हूँ। 6 महीना में लगभग मौन भी था व्रत और कुछ समय तक जल भी नहीं पिया था। तो माता ने मेरे भक्ति को खुश होकर के उन्होंने दिया है कि सारे भक्तों का जो रोगी रोगी है सबका मैं रोग। कहाँ पे आप भक्ति करते थे? मैं मदनपुर में जाकर मैं भक्ति किया हूँ जो बिहार में पड़ता है। कितने साल? 13 महीने मैंने वहाँ किया और 13 महीने 27 महीने। वैसे तो मुझे करीबन भक्ति करते हो गया करीबन 19 साल।
आपको कैसे मालूम होता है कि माताजी आपके इस ऊपर आ चुकी हैं, आवास उनका हो चुका? जैसे जब मैं भर्ती करा तो उसमें मेरी आंखें मुना गई और मुनने के बाद ऐसा हुआ कि एक ज्योत आई मेरे लड़ाक पे आया और वहाँ मैंने देखा कि माता भी 27-27 हाथ करीबन लगभग ऊंची ऊंची में दिखाई दी और उसी से मुझे आभास हुआ। दिव्य ऋषि उन्होंने कहा कि मैं तुमको दिव्य ऋषि दर्शन दे रही हूँ, तुम घर जाओ भक्ति करो और जब भक्ति करोगे तो मैं समय आने पर तुमको तुम्हारे पास आऊँ। आपका जन्म स्थान बाबा कहाँ है? मेरा जन्म स्थान है बेलसर और मैं ननिहाल मिहार। अच्छा, ये क्या नाम है आपका जी? आपका नाम श्री राणा प्रताप। आप किस माता का आराध्य करते हैं? हमारी माता है बड़ी दुर्गा जो आशक्ति दुर्गा जी के नाम से जानी जाती है और महाकाली जो चंडिका के नाम से जानी जाती है, चमुंडा नाम से, ये सब माता है। सुनने में आते बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप मौन व्रत भी थे जी, तो क्या दिन तक थे? मौन व्रत लगभग 6 महीना करीबन में रहे, एक नवरात्र से मैंने शुरू किया, दूसरे नवरात्र मैंने लगा रहा। क्या कारण था कि मौन व्रत आपको रहना पड़ा? क्योंकि उस समय मैं भक्ति करा तो मेरे घर वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, कोई बात को लेकर के खेती बाड़ी करो ये करो वो करो, तो माता ने बोली कि तुम मौन हो जाओ, संकेत हमको मिला और तुम भक्ति करो। तो भक्ति मैंने वहाँ से जब चला तो माता ने हनुमान जी को मेरे साथ लगा दिया। हनुमान जी बोले कि चलो बेटा तुम भक्ति करो, भक्ति मत में सिखाऊंगा। मैंने पहले बोला कि जाओ गुरु जी पूछो अपने, जिससे मैंने गुरुमत लिया था, मैंने वो बोले कि हम इसके आगे भक्ति नहीं किया हूँ इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा और तुम जाओ, तुम्हारे जो तुमको रास्ता बता रही है माता हुई तुमको बताएंगी। तो मैंने फिर गया माता से बोला तो हनुमान जी वही भक्ति करवाए। आपके भक्त ये भी कह रहे हैं कि आप आहार में केवल फल लेते हैं? पहले तो मैं कच्चा केला जो देसी केला तो ही खाते थे ज्यादा करके, लेकिन अब तो ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से लगभग फलाहार में सब कुछ ले लेता हूँ। पहले तो नहीं लेते थे, पहले तो वही 50 ग्राम करीबन लेते थे 24 घंटा में। आगे आपको क्या करना है? अब आगे क्या करना है, भक्तों का कल्याण हो आगे तो उनको भक्ति करना है। यहाँ कम से कम कितने दर्शक आ जाते हैं दर्शन करने के? अब लगभग तो मंदिर है, कोई गणना है नहीं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकते हैं, जैसे जैसे विपदा होती है जैसे जैसे माता का आस्था होता है बढ़ते घटते रहते हैं, इसका कोई तो मूल्य है नहीं। यह कि सोमवार को भीड़ यहाँ ज्यादा होती है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह व्यवस्था आपने किया है? अब सुरक्षा को लेकर के 10-25 लड़कों के लिए और एंटर बनवाए हैं, उन्हीं को लेकर के रात दिन अपना चलते हैं, देख रेख करते हैं, सब भक्तों का अपना मिला जुला के सारे भक्तों को समझा बुझा करके अपना कार्य करते हैं। आपको आने के लिए यहाँ पे रास्ते नहीं है सही से, इसके लिए आपने किसी से कहा? हमने कोशिश बहुत किया लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। कहें आपके मुख्यमंत्री जी आपके बगल पड़ोसी से, क्या समस्या थी आपको? हमारे दोनों बच्चे गाली उली देते थे, उसको कुछ पकड़ा है उसी कारण से हम आए हैं। कितने साल से आ रहे हैं? 10 साल हो गए। अब बच्चे आपके ठीक हैं? हाँ। क्या अच्छे पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? पुलिस मार रहा है। अभी क्या है? नहीं ठीक हो जाने पर बुलिया ही रविया था जी, बाकी सब ताकत आ गई। कैसे आ गई ताकत? तो माता के दरबार आए लालबानी। हाँ, माता के दरबार में? बाबा माई। क्या नाम है, किस जगह पे हैं? वो माई बरकी में हमारे पूछ रहे हैं। कहाँ पे आए, किस बरकी माई पे, जगह का नाम बताइए। अच्छा, वहाँ आने से आपकी समस्या? समस्या हमारा घर लग रहा है। कितने दिन से आ रहे हैं? 4 साल। अच्छा, तुम अभी खेल रही थी, क्या समस्या थी? और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो औरों के साथ शेयर करिए और 2019 की लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।